अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए इजी, सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ग्रीन चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस करी को गरम गरम घी राइस के साथ सर्व करें, या फिर पराठा, नान या कोई भी ब्रेड जो आपको अच्छा लगे। एंड बिलीव मी, यू ऑल विल डेफिनेटली लव दिस चिकन रेसिपी। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड एंजॉय। लेट स्टार्ट विद द रेसिपी। फर्स्ट एक मिक्सिंग बोल ले ले एंड इसमें ये 1 kg फ्रेश चिकन विद बोन ऐड करेंगे। क्लीन एंड वॉश करने के बाद वो भी सारा पानी निकाल कर, एंड साथ ही 4 tablespoon भरकर दही यानी कि योगर्ट, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 teaspoon सॉल्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे फॉर 1/2 hour। बाय द टाइम ग्रीन पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए 2 लार्ज साइज के अनियन लेंगे, ऐसे रफली कट कर, 6 green chilies, थोड़े से मिंट लीव्स, 1 cup फ्रेश कोरिएंडर लीव्स विद स्टेम, 1 large tomato, 6 garlic cloves प्लस स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, 2 tablespoon दही, 1 tablespoon फेनिग्रिक लीव्स एंड ये 12 टू 15 कैश यूनिट्स। अब इन सबको मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट रेडी हो गया है, इसे भी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट चिकन करी बनाने के लिए एक कुकिंग पैन में 3 tablespoon घी लेंगे। आप घी के बदले में कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें ये थोड़े से फ्रेश करी लीव्स ऐड करेंगे एंड साथ ही ये मैरिनेटेड चिकन। चिकन को अब हाई फ्लेम पर भूनना है फॉर 5 minutes। 5 minutes हो चुके हैं, ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, प्लस चिकन और दही ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज कर लिया है। अब इसमें ये ग्रीन पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। फ्लेम को यहाँ पर अब मीडियम करना है एंड मीडियम फ्लेम पर अब चिकन को अगेन भूनना है इस ग्रीन पेस्ट के साथ फॉर 5 minutes। 5 minutes हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए, ये इसमें बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया है। अब फ्लेम को लो कर दें एंड ये कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 tablespoon टर्मरिक पाउडर, 3 tablespoon चिकन मसाला पाउडर, 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर एंड अच्छे से स्टर करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए करी के साथ। एंड फिर 1 glass ऑफ वाटर ऐड करेंगे। ये मैंने उसी जार को क्लीन कर ऐड किया है जिसमें पेस्ट बनाया था। आप पैन को कवर करेंगे एंड चिकन को कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम फॉर 20 minutes। बीच में आप 1-2 बार चिकन को स्टर कर लें। बाद लीड ओपन करें एंड एक बार स्टर करें। फ्रेंड्स, चिकन अच्छे से कुक हो गया है एंड प्लस सॉफ्ट भी, पर ग्रेवी थोड़ी से थिक हो गई है। तो यहाँ पर अब मैं 1/2 glass ऑफ वाटर ऐड करूँगी। वाटर आप अपने हिसाब से ऐड कर लें एज पर दी कंसिस्टेंसी एंड साथ ही ऐड करेंगे 1 tablespoon क्यूमिन पाउडर एंड सॉल्ट भी चेक कर लें एंड ऐड करें एज पर दी टेस्ट। एंड अब करी में एक बॉयल आने तक कुक करेंगे। ये देखिए, करी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ग्रीन चिकन करी रेडी हो गई है। अब आप इस पर ये फ्रेश कोरिएंडर लीव स्प्रिंकल करेंगे एंड मिक्स कर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो क्यों है ना फ्रेंड्स, ये इजी, सिंपल एंड यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलिए जल्दी से इसे सर्व करते हैं। ये रही ग्रीन चिकन करी आपके लिए। तो जल्दी से जाएं और आप भी बनाएं और खाएं। एंड आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।